तू जल्दी उतर, नहीं तो माली का डंडा होगा तेरा सर। मेरे अजय, मुझे अकेला छोड़कर मत भागना। रोज रोज चोरी करके भागत हो, आज मिले हो उतराऊ नीचे। आम खाने का मजा आज चखाई है तुमका। आज हमने आम नहीं तोड़े मालिक काका। तुमने आम नहीं तोड़ा बोला, हम तुम्हारी टांग आज जरूर तोड़ोगे। उतराऊ नीचे, उतराऊ नीचे। मालिक काका, काका के बच्चे ऊपर काहे को चढ़े थे, अपने चाचा की बरात देख रहे। उतराऊ मालिक काका। कईयों दिन तुम्हारे तुहा में थे, आज मिले हो, सब कसर निकाल लियो आज। अरे बाप रे, ओ वहाँ छुपे हो, कहाँ जाओगे बचकर? कहाँ जाएगा बचकर? अजय फसली तोड़ दूंगा। अरे बोले जल्दी तो यार, चप्पल तो यार। डाकू बन गया है डाकू, अगर यही हाल रहा तो एक दिन किसी की जान चली जाएगी। देखिए ना इस बेचारे की क्या दुर्गत बना दी है। देखो ना सरकार, नाक से पसीना खून बह गया, अब हम ना बचबे। हाय राम, गांव भर के लड़कों को खराब कर रहा। अरे सबका सरदार बना सकता है सरदार? आप भी कमाल करते हैं रमापति जी, बच्चों को लाड प्यार सभी करते हैं, लेकिन आपने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। बड़ा बाबू, मैं तो लुट गया। बड़ा बाबू, क्या हुआ? बाजार में बेचने के लिए केले ले जा रहा था, छोटे बाबू लेकर उड़ गए, मेरे पेट पर लात मार दी सरकार। लीजिए और सुनिए, कितने के केले थे तुम्हारे पास? कम से कम 5 रुपए के तो होंगे सरकार।
अफसर है, आप रोज रोज किस किस को हरजाना देंगे? अजी आप इसका इलाज क्यों नहीं करते? कस कस के दो चार हाथ लगा दीजिए, सारा दिमाग ठिकाने लग जाएगा। जी हाँ, मार के आगे तो भूत भी भागते हैं। बेफिक्र रहिए, आइंदा आप लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा इलाज करूंगा कि उसे उम्र भर याद रहेगा। जी अच्छा, चले आइए। चलो चलो चलो। सारी खुशी निकल जाएगी। अच्छा अब मैं चला। कहाँ था इतनी देर? बोल कहाँ था? बोल। आप क्यों सुन गया? बदमाश। घर में भीगी बिल्ली और बाहर भूखा है। बोल। बोल कहाँ था? बोल। सबके नाक में दम कर रखा है। बात। शरीर। पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं। खेल, 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 सारा दिन खेल। घर मिला। पढ़ने बैठ। खबरदार जो 10 बजे से पहले उठा, सारा गांव शिकायत करने आता है। जो बात करने के काबिल नहीं उनके आगे सर झुकाना पड़ता है। अब तुझे शर्म दिया नालायक कहीं का। बहू, अजय को आज खाना नहीं मिलेगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। जरा सी बात हुई हम लोगों ने पतंग। कहते हैं कि मेरे लाड़ प्यार ने बच्चे को बिगाड़ रखा है। जब दुश्मन की तरफ देखता हूँ खाना नहीं मिलेगा। क्यों? ये तुम अपने ताऊजी से पूछो। ओ, ये ऑर्डर लाख आपका है, आप तो खूब टूटेंगे। अजय, वाह वाह, ताऊजी को जरा सी बात कर दी तो बुरा लग गया। जब वो मार मार कर मेरी पीठ जाते तब तुम कुछ भी नहीं कहती। सबके सब मेरे दुश्मन है। दस गिरेगी जय ने खाना खा लिया है? जी नहीं। सो गया है क्या?
नहीं। तो फिर आपने मना किया था ना? ओ आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं, आज भूख नहीं है। बहू, एक बात सुनो। अजय आजकल बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, खाली शरारतें करता फिरता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि शहर के किसी हॉस्टल में उसे दाखिल कर दूँ। वहाँ पढ़ भी जाएगा और कायदे कानून में रहकर आदमी भी बन जाएगा। तुम्हारी क्या राय है? जैसे आप ठीक समझो। मैं क्या कहूँ? नहीं नहीं, ये बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि उसे दूर भेजकर तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? उसकी भलाई के लिए मैं सब तकलीफें सह लूंगी। तो फिर उसे मनाने का जिम्मा तुम्हें ही लेना होगा। मेरी तो सुनेगा ही नहीं। जैसे भी हो सके समझा बुझाकर तुम उसे राजी कर लेना। हाँ, अजय ने आज एक कप जीता है, लो इसे संभाल कर रख लो। अजय बेटा ठीक से सो जा। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक बार तो कह दिया वो सब जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे ताऊजी को बड़ा दुख होगा। उन्हें दो, उनकी परवाह कौन करता है? तुम नहीं जानते बेटा कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। प्यार? यही है उनका प्यार। जब देखो मारपीट, उठाए अपनी हाथ, उनकी टांगे ना तोड़ दूं तो मेरा नाम आ जाए। नहीं, मेरी बात तो सुनो बेटा। अब किसी बात नहीं सुनूंगा। मेरी भी नहीं। नहीं नहीं, किसी की नहीं। अच्छा, जब बेटा ये अपनी माँ की नहीं सुनता तो फिर यह अभागिन माँ अपने दिल का हाल किससे कहे? जी भर के अपने मन की कर ले। मैं अंदर तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। ना कहो, मुझे शहर भेजेंगे। शहर? मैं सूटकेस से आया। सूटकेस? मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, लगाकर पढ़ना। वहां किसी से लड़ना झगड़ना नहीं,
तब से मिलजुल कर रहना। अजय, अरे जल्दी करो बेटा वरना ट्रेन छूट जाएगी। अरे राजू, सामान गाड़ी पर जल्दी रखो। चलो बेटा। अपनी माँ को भूलना नहीं, चिट्ठी जरूर लिखना। जल्दी आओ अजय। अजय, नए दोस्तों को पाकर अपने पुराने साथियों को मत भूलना। मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। हाँ देखना, हमारी टीम कभी हारने ना पाए। कब आओगे अजय? जब तुम याद करो। रो मत बैजू, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अजय जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। चीजें भी निकल आती है धीरे धीरे। यहाँ एक छोटी सी नुकदा छोटी बन जाए। क्या बात है गणेश? हेलो हेलो, कौन? रवि, दो नंबर की रवि। हाँ हाँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। चिड़ियाखाने में एक नया पंछी आया है। कैसा है? कुछ दिल बहलेगा? बिल्कुल गंवार लगता है। मैंने कहा जरा स्वागत हो जाए। पर बसेरा कहाँ लेगा? शायद ऊपर ही आएगा, वही 3 नंबर की खाली सीट पर। ठीक है आने दो। क्या हुआ रवि, क्या हुआ? नहीं होगा ना पंछी का स्वागत। अरे तब तो बड़ा मजा है। राहू, ये सामान 3 नंबर कमरे में ले जाओ। अजय तुम भी उसके साथ। मास्टर साहब जरा इस लड़के का ख्याल रखिएगा, कहीं शरीर लड़कों के। जरा भी चिंता ना कीजिए, हमारे लड़के तो शरारत का नाम भी नहीं जानते, बहुत सीधे हैं। दरवाजे से निकला, इस नए लड़के से टकरा गया। जरा सी बात है और सारा हॉस्टल सिर पर उठा लिया। छुट्टी के दिन शोर बचाने के सिवा और कोई काम नहीं सोचता। क्या हम लोग करते? चोट तो नहीं लगी? ओ कोने वाला कमरा अजय के है, आप जाइए। अच्छा चलो। कमरा है, वही तुम्हारी सीट है। भीगे कपड़े उतार डालो बेटा, तुम सब यहीं रहते हो? जी हाँ। मेरे अजय का जरा ख्याल रखना, पहली बार वो घर से बाहर आया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। अच्छा अच्छा। अजय ट्रेन का वक्त हो गया, अब मैं उठूं।
से मिलजुल के रहना, अच्छी तरह से लिखाई पढ़ाई करना, समझे बेटा? और क्या बताऊं, तुम तो खुद समझदार हो। ये लो 10 रुपए अपने खर्च के लिए रख दो। अच्छा बेटा, रात को सोते वक्त अच्छी तरह मच्छरदानी लगा लेना। अब मैं चलूं बेटा। का सीन जरा टचिंग हो गया। हाँ, लेकिन चलो 10 रुपयों ने आंसू तो पोछ लिए। हमारे घर वाले तो भाई 2 रुपए से ज्यादा कभी देते ही नहीं, चाहे रो रो के मर भी जाए। मालूम होता है वो अजय को बहुत चाहते हैं। चाहते हैं? तुम ना कहो, लेकिन उनकी बातों में बहुत प्यार था। मच्छरदानी तक लगाने को कह गए हैं। कहने को ये बात बहुत मामूली है, मगर सोचो तो बहुत बड़ी। सिर्फ माँ बाप ही इतना ख्याल रख सकते हैं। तुम इतने उदास क्यों हो गया अजय? माँ की याद आती होगी। पहले पहल माँ से बिछड़ने में सभी को दुख होता है। तुम्हें भी दुख हुआ था? वो क्यों होने लगा? उसकी माँ तो रोज उसे चोरी करके मिठाई खिला जाती है। हाँ। ओ, तो तुम्हारा घर नजदीक ही है। अरे इसका घर कहाँ है? इसकी माँ तो खुद दूसरे के घर पे पड़ी रहती है। पड़ी क्यों रहती है? बेचारी बर्तन मांजती है। क्यों, हम घर कचराते हो शैलन? नहीं नहीं नहीं, खाना पकाती है बेचारी। लो, इधर खाने का नाम लिया, उधर महाराज ने घंटी बजाई। चलो चलो, शक्ति तुम आजा को लेते आना। तुम्हारे पास तो बहुत सी नी कैप है। तुम्हें चाहिए? नहीं। ले लो ना, मेरे पास तो पड़े ही रहते हैं, तुम ले सकते हो। मैं लेकर क्या करूंगा? क्यों, तुम फुटबॉल नहीं खेलते? ले लो। रात में क्या करें, जब किंकम की आंख लग जाती है तभी तो खिसकने का मौका मिलता है। किंकम? ये किंकम कौन है? अभी तक तुम किंकम को नहीं जान पाए? अरे वही हमारे म्युनिसिपैलिटी का इंजन। अरे वही सुपरिटेंडेंट साहब। अरे तुम्हें तो बड़े अच्छे रूममेट मिले, घंटी बजे और बेचारे सो गए। गुड, बेटर, बेस्ट। वेरी बेस्ट। कौन कहता है सो रहा था? सोते तो ये दोनों है, शक्ति और निर्मल। कौन कहता है मैं सोया हूँ? तू बहुत बकवास करता है रे, तुझे अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए। देख क्या मैं सो रहा था, देखो मैं सो रहा था। अरे वाह, तुम लोग सब झूठ मूठ ही सो रहे थे। भाई क्या करे, हॉस्टल के कानून है, घंटी बजते ही आंखें बंद कर लेना चाहिए। और अगर नींद ना आए तो? तो फिर चोरी चोरी ताश के पत्तों से दिल बहलाना चाहिए। और अभी लगती है 2-3 हाथ। नहीं भाई, आज तक अजय से गपशप करेंगे। नया नया आया है, जान पहचान बढ़ाएंगे। क्यों सबेरे जान पहचान नहीं हुई थी? नहीं, वो तो सब स्वागत हुआ था। क्या मतलब? अरे तुम तो अभी तक नाराज हो,
समझाओ इनको। अरे भाई हम सब लोग तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ सबके लिए एक एक के लिए सब। कम ऑन शेक हैंड। दो दो मालूम होता है कोई आ रहा है। अच्छा ठहरो मैं देखता हूँ। अभी तक सोए नहीं, तुम्हें क्या दिखाई देता है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बड़ी तेज नजर है। नजर ही नहीं कान भी तेज है। कमरे में कौन बोल रहा था? मैं। किससे? तू मेरी सुन रहा था। कौन सुन रहा था? तू दिखाई नहीं देता। ओ प्रार्थना कर रहे थे। बड़ी खुशी की बात है कि लंका में विभीषण मिल गया। अच्छा बत्ती बुझा के सो जाओ। सुनते हैं जरा जोर से बोलना। तुमने उसे झूठ क्यों बताया? देखो तो सही मजा आएगा। कौन से स्कूल से आए हो तुम? उषा ग्राम स्कूल से। अबे तो चिल्लाता क्या है? जी आप ऊंचा सुनते हैं ना इसलिए। अच्छा मैं ऊंचा सुनता हूँ? मेरा मजाक बनाता है? बदमाश मैं बह रहा हूँ। चल जा खड़ा हो जा वहाँ बेंच पर। मैं ऊंचा सुनता हूँ। नीचे नहीं ऊपर। मॉनिटर ये अगले पीरियड में भी खड़ा रहेगा। बदमाश मैं ऊंचा सुनता हूँ। तुम बेंच पर क्यों खड़े हो? ये शोर मचा रहा था सर। पहले ही दिन से शरारत। शरारत मेरी नहीं सर, उसी की है। मास्टर जी ने मुझे गलत सजा दी है। गलत सजा दी? तुम मास्टरों की गलतियां निकालने आए हो या पढ़ने? शरीरी नहीं बदतमीज भी मालूम होते हो। टिफिन तक इसी तरह खड़े रहो। वायस अपनी अपनी कॉपियां निकालो। में बाहर नहीं जाओगे? कुछ खाओगे नहीं? नहीं। क्या तुम्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता? खमका मुझे सब लड़कों के सामने पीट दिया। तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम तो बेकसूर थे। इसी बात का तो मुझे दुख है। बड़ा होकर मैं स्कूल में मार बंद करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा काम करोगे, लेकिन क्या बड़े होने तक भूख हड़ताल की रहोगे? लो मूंगफली खाओ, ले लो, शर्मा नहीं, लो लो ना खाओ। वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है। तुम्हें पसंद है? हाँ। ये रहा मेरा चूल्हा। जब सब लोग फुटबॉल खेलने चले जाते हैं तो मैं यहाँ अकेला आकर झूलता हूँ। अच्छा आज मैं भी तुम्हारे साथ झूला झूलूंगा। क्यों तुम खेलने नहीं जाओगे? नहीं। क्या तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है लेकिन उससे ज्यादा अच्छे तुम लगते हो। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ आओ झूला झूले।
अरे इधर इधर इधर, वो तो यहाँ है। अरे तुम यहाँ हो और हम लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए। चलो चलो चलने चलो। मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? आज मैं झूला झूलू, फुटबॉल छोड़कर झूला। अरे इस झूला तो इस लंगड़े के लिए है। शक्ति को लंगड़ा मत कहा करो, लंगड़े को लंगड़ा नहीं तो और क्या कहे? कुछ नहीं कहोगे? बहुत अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे। क्या हुआ, लंगड़े का जादू काम कर गया क्या? खबरदार शक्ति को लंगड़ा लंगड़ा मत कहा करो, नहीं तो अजय बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखो भाई शक्ति को आज से कोई लंगड़ा वंगड़ा मत कहना हा? नहीं तो अजय हम लोगों को लंगड़ा बना देगा। कोई मत कहना भाई, हा? क्या समझे? कोई मत कहना। जाने दो जी, जाने दो। एक दिन मैं अच्छी तरह मारा सिखा दूंगा। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, जाने दो। शक्ति अजय वो देखो मेरी माँ आ रही है, एक काम करोगे? आओ हम लोग छुप जाए, माँ आकर ढूंढेगी, बड़ा मजा आएगा। कहाँ है रे शक्ति? बेटा कहाँ छुप गए रे, कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ माँ। कहाँ कहाँ? यहाँ माँ, इधर इधर। अरे तू तो यहाँ छुपा था, बैठ जा। देख आज मैं तेरे लिए क्या लाई है। माँ तुम ये सब मत लाया करो। क्यों? लड़के मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं क्या वो कहते हैं तुम ये सब चोरी करके लाते। चोरी क्या? तू भी इस बात को सच मानता है? नहीं माँ। तो फिर तू उनको जवाब क्यों नहीं दे देता? हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। मगर वो लोग मेरी सुनते कब हैं? हाँ ठीक ही है, हमारे वो दिन कहाँ रहे कि कोई हमारी बात सुने। लेकिन तू जान रख बेटा, बड़े लोगों के यहाँ काम करती हूँ, उनकी रसोई में बहुत कुछ बच रहता है। मुझे इस तरह का खाना अच्छा नहीं लगता माँ। इस तरह छुपा कर लाना मुझे ही क्या अच्छा लगता है, मगर क्या करूँ, लाए बिना जी भी तो नहीं मानता। कौन जानता था पेट के लिए दूसरों के घर चूल्हा चौका करना पड़ेगा। तुम दुख ना करो माँ, ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। इसी उम्मीद पर ही तो जी रही हूँ मेरे लाल, तू ही तो मेरा साथ दुख दूर करेगा। हाँ माँ मैं बड़ा होऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर मैं तुम्हें कहीं नौकरी नहीं करने दूंगा। माँ हमारा अपना घर होगा जिसमें मैं और तुम हमेशा एक साथ रहेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा माँ, कोई नहीं। चलो चलो माँ। चलो चलो माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव में। चलो चलो माँ हो रही सारी रेशमी घटाओं में, चलो चलो माँ सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव में। चलो चलो माँ Hey!
मेरा दोस्त अजय मेरे ही कमरे में रहता है। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा लगता है। सुन, तुम दोनों मिलकर इसे खा लेना, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है शक्ति, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वो शक्ति की माँ कहाँ चली जाती हो? इन्हें सारा मकान सर पे उठा रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे वही गठिया कदर चिल्ला रही है, ये चाहिए, वो चाहिए, दवा चाहिए, गर्म पानी चाहिए। मैं अभी पानी गर्म की देती हूँ। पानी तो मैंने गर्म कर लिया है, तुम उसे ले जाओ और उनका मिजाज ठंडा करो। सुना, काम भी करो और गालियाँ भी खाओ। ना बाबा ना, मुझसे ये नौकरी नहीं होगी। चिल्लाते चाहे मेरा दम निकल जाए, मगर इन नमक हराम नौकरों की सूरत नहीं दिखाई देगी। अरे लता, देख तो कहां मर गए ये सब। लो, एक तो ये आ गई। आ गई महारानी साहिबा, कहां थी अब तक? बोलती क्यों नहीं? क्या मुंह में कीड़े पड़ गए हैं? हाँ, इसका बोझ तो देखो, निकाल दी जाए तो। निकाल तो दूंगी जरूर। अब भागन, अपनों को खाकर अब मुझे खाने आई है? बोलती क्यों नहीं? तुम ही बनी क्यों खड़ी है? कौन कहाँ थी? अपनी बेटी को देखने गई थी माँ जी। अपने बेटे को देखने गई थी माँ जी? माँ जी की बच्ची, कितनी बार मना किया कि काम छोड़कर कहीं ना जाया कर, तू मानेगी तो रही? अपनी बार गई तो अपने बेटे का मरा मुँह ही देखा। मैं चल गई, मर गई, चला दिया मुझे। जाहिर कहीं की चुड़ैल तेरा नाक हो तो कहीं। माँ जी, आप मुझे चाहे कितना मार लीजिए, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे को कुछ न कहिए, कुछ न कहिए माँ जी। मैं अब नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ले जाए इस तकलीफ को मेरे सामने से। दो बजे अभी खाना खा वो आते थे, रुके ना। तुम खाते क्यों नहीं? खाऊं क्या अपना सर, ये खाना है घोड़े का रास्ते। मैं जाने तुम लोग कैसे खाते हो। क्या करें, भूख और आदत से मजबूर है। इसके खिलाफ तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं? कई बार सुपरिंटेंडेंट साहब से कहा, मगर सुनता कौन? महाराज, एक मछली और दो। मछली नहीं है। नहीं है, गई कहाँ? बहुत से तो आई थी। कहता तो हूँ। अरे चोर है चोर, उसकी हंडी में तो देखो अब भी मिल जाएंगे। है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? अरे भाई, उस बेचारे से क्यों झगड़ते हो? जो कुछ कहना है सुपरिंटेंडेंट साहब से कहो ना जाकर। कहूँगा, जरूर कहूँगा। चलो तो चले। अरे मुझे क्यों घसीटते हो? जो कुछ खाया है वो भी नाक और मुँह से निकल जाएगा बस। अरे मैं तुम लोगों को खूब जानता हूँ, किसी में सच्ची बात कहने की हिम्मत नहीं। डूब मारो चुल्लू भर पानी में। चलो मैं चलता हूँ। क्यों, अब जाओ? जाओ, जरूर जाऊंगा। क्या मैं जाता हूँ? चलो। कौन है? क्या चाहिए? जी महाराज, हमें मछली नहीं देता। क्या मतलब? जी
मछलियां तो बहुत आई थी लेकिन महाराज कहते हैं सब खत्म हो गई, मुझे एक भी नहीं मिली। नहीं मिली तो क्या मर जाओगे? खाने की इतनी फिक्र और पढ़ने लिखने का नाम? हरिओम। महाराज हमें अच्छा खाना नहीं देता है सर। अच्छा खाना नहीं देता, क्या खिलाएगा तुम्हें? मलग मुसल्ला, द्रोगांजल, कुप्ता कारी। काल आया और आज तक शिकायत भागे थे। कमबख्त, आराम से खाने भी नहीं दे। मछली नहीं मिली तो मेरा सार खा लिया। बड़े डबरी लाओ। बदमाशों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। सर, कौन जी? मैं हूँ गणेश। क्या बात है सर? अजय ने सब लड़कों को डाइनिंग रूम में इकट्ठा किया है, उन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है। कौन? अजय सर। अजय जी? हाँ। समझाओ, मैं देखता हूँ। अगर हम लोग ऐसा करें तो उनको मजा आ जाएगा, समझे? तो मास्टर पी सर्फिस तो बहुत अच्छी है लेकिन याओ का मुंह कौन पकड़ेगा? अरे यही तो मुसीबत है, जो सामने जाएगा उसके खैर नहीं। इतना डरते क्यों हो? क्या वो तुम्हें खा जाएंगे? उनका पेट देखकर तो ऐसा ही लगता है। तुम लोग सब के सब डरपोक हो, अगर तुम भी बड़े बहादुर हो तो आगे बढ़ो ना। हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ो और तुम लोग पीछे भाग जाओ। अच्छी तरह सोच समझ लो। अजय बुलाया सर। बुलाया सर? क्या बात आया सर? कुछ नहीं, झूठ बोलता है, सब लड़कों को भड़काता है और कहता है कुछ नहीं। वाजी बदमाश। झूठ बोल रहे हैं सर। झूठ मारिए, सारी लीडरी निकाल दूंगा। भाग्य वही भाग रहा, कितना मारा है बेचारे को। अजय, अजय क्यों तुम हमसे भी नहीं बोलोगे? अजय अच्छा बोल सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर, क्या मेरी बात मानोगे? जरूर। तो फिर वचन दो। वचन देता हूँ, अगर मैंने बदला ना लिया तो मेरा नाम अजय नहीं, तुम देख लेना इस बार वो रोएंगे और हम हंसेंगे। मोहब्बत में ऐसे कदम जब न जाए, जमाना ये समझा के हम पीछे आए। पीछे आए मोहब्बत में ऐसे कदम जब न जाए, समझा के हम पीछे आए। पीछे आए मोहब्बत में ऐसे कदम जब न जाए, नमक के तो खाने में स्वाद ही नहीं आता बाबूजी। अरे इतना नमक कि हाथ से जहर बन जाए। राधे तुझे किस लुक का पाते ने महाराज बनाया है? जी आप ही ने तो। ऐसा मजा आया। अरे वो
पूरी बात तो बताओ। क्या बताओ, किंग कॉन्ग को भूखा रहने पड़ा और महाराज भूत बन गया। तुम मारा। घर का भेदी लंका लड़ा है, तुम्हारा मतलब है गणेश? हाँ ठीक है, पहले उसे ही निपट लेंगे। गोविंद तो मदद करेगा ही, क्यों गोविंद? विरोध की आवाज आई, बंदा वहाँ दाखिल हो गया और वहाँ पर पट्टे राम सिंह ये पट्ट वाले आदमी जुटे थे। मैं भी देखा, इधर न देखा उधर, और तुरंत लंगोटा पहुँच करके तुरंत बोल गया, ये मारू तो ये गिरा, वो मारू तो हो गिरा, और राम सिंह ये कहीं रस्सी में चारों पांचों आदमी को बांध करके इसी कंधे के ऊपर थाने पहुँचाया था। अरे वो देख क्या हो क्या, कोई आदमी मालूम होता, चला देखे। ये रास्ते में क्यों पड़ा है, कोई मुर्दा मालूम है? मुर्दा? अरे तू डरता तो नहीं ना? जरूर कहा तू फिर इधर ठहर, मैं हॉस्टल में से किसी को बुला के लाता हूँ। जल्दी आना। अरे हाँ जल्दी आऊंगा। सामने मुर्दा पड़ा हुआ है। मुर्दा? हाँ हाँ मुर्दा पड़ा, इतनी रात में मुर्दा। तुम महाराज लड़कों को बुलाओ। तुम अजय बाबू की बात है। बिल्कुल बाबू, गणेश बाबू, रवि बाबू, हॉस्टल का बाहर मुर्दा पड़ा, हॉस्टल का बाहर। चलो चलो चल कर देखो। रामू रामू तुम भी चलो। मुर्दा कहाँ है? अरे मुर्दा नहीं है सर, ये तो गणेश है। गणेश? ये गणेश? गणेश? तुम इधर कैसे आ गया? तुम इधर कैसे पहुंच गए? पता नहीं सर, मैं तो मेरे कमरे में सोया था सर। रामू बिस्तर ले चलो, चल अंदर। दरवाजा खोलो। सोते वक्त दरवाजा अच्छी तरह बंद किया था? जी हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था। अशोक और गोविंद तो पहले ही सो गए थे। ये तो भूत की हरकत लगती है, इसीलिए कहते हैं रात को पहली आवाज पर कभी नहीं उठना चाहिए, भूत पुकारते हैं। बेकार की बात मत करो, भूत भूत है क्या? जो भी मुझे मिल जाए तो मैं उसे आदमी बना दूं। सच बताओ ये शरारत किस क्या है? जो भी तुम जानते हो? निर्मल सर। तुम? रूप? सर मुझे तो लगता है गणेश को भूत ही उठा ले गया हमें। बकवास बंद करो, भूत भूत कुछ नहीं है, जाओ सो जाओ। पाजी बदमाश, तुमने क्या कहा था, भूत को आदमी बना देंगे? जानते हो गणेश ने इतना बड़ा एक ताला खरीदा है, रात में अपने दरवाजे पर लगा कर सोएगा, तुम्हारा रास्ता और भी साफ हो गया, समझे?
क्या करते भाई? पानी पानी कहाँ से आया? आके सर इतने लंबे लंबे दाग। कैसी तबीयत? साहब आखिरी समय आ गया, मुझे घर भेज दीजिए, मैं यहाँ एक मिनट में नहीं आऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं आपके जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। रामू कहाँ है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डर के मारे सीधा गांव भाग गया है। अजीब मुसीबत है, मैं देखता हूँ। जल्दी से भेज। बच्चों बता सकते हो बृजनाथ हाई स्कूल किधर है? बृजनाथ हाई स्कूल? हाँ हाँ हाँ, सीधे जाकर बाएं घूम जाइए। बाईं ओर? हाँ हाँ, बस एक मिनट जाइए और सामने देखिएगा, बड़ा सा फाटक, बड़ी सी बिल्डिंग, बस वही स्कूल।
लेकिन एक आदमी ने मुझे बताया स्कूल करीब ही है, इसीलिए मैंने कोई गाड़ी भी नहीं ली। अच्छा तुमने उनको गलत रास्ता क्यों बताया? उन्होंने मुझे बच्चा कहा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। है अपना हॉस्टल और ये है बच्चों के कमरे। तुम जानते हो ये कौन है? नहीं सर। ये है तुम्हारे नए सुपरिंटेंडेंट साहब शेखर बाबू। इनमें से दो के साथ तो मेरी पहले ही जान पहचान हो चुकी थी। तुम दोनों के साथ रास्ते में मुलाकात हुई थी ना? फिर भी आपको रास्ता भूलकर परेशानी उठाना पड़ी। हाँ, रास्ता पहचानने में भूल हो गई थी, लेकिन इनको पहचानने में भूल नहीं हुई। क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति चौधरी। और तुम्हारा? अजय मुखर्जी। अच्छा अजय, तुमसे फिर किसी वक्त बातें करेंगे। चलिए आपको आपका कमरा दिखा दें, आइए। आओ अजय, आओ बैठ। आज पहले ही दिन पकड़ा गया। हाँ, बहुत चालाक बनता था ना, अब पता चलेगा बच्चे। अच्छा अजय, कल तुमने मुझे गलत रास्ता क्यों बताया, बोलो। मैंने गलत रास्ता नहीं बताया था सर, अपने समझने में भूल की होगी। कैसे? बाई और का मतलब था मेरी बाई और अब अपनी बाई और चले गए। शरारत तो तुमने की ही थी, अब झूठ भी बोल रहे हो। क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है? नहीं सर। तो फिर? जी, आपके डर से। बड़े डरपोक हो तुम। तुम्हारी शरारत देखकर तो मैं समझा था तुम बड़े दिलेर लड़के हो, लेकिन अच्छा तुम उससे डरते क्यों हो? देखो मेरी तरफ देखो, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? नहीं सर, आपसे नहीं आपकी मां से डरता हूँ। लेकिन बिला वजह मैं तुम्हें मारूंगा ही क्यों? अब देखो बात कितनी आसान हो गई। तुम्हारे डर का कारण है मार, और मार का कारण है अन्याय, यानी तुम्हारा अन्याय तुम्हें बुजदिल बना देता है। मैं अपने लड़कों को शेर की तरह निडर और दिलेर देखना चाहता हूँ, गिदर की तरह बुजदिल नहीं, समझे? शाबाश शाबाश। तो आइंदा ऐसा कोई काम कभी ना करना जिसकी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़े, डरना पड़े। अच्छा जा, तुम जाओ। ये तो है ना, जितनी देर तक क्या कर रहे थे? वही निकाल के लेक्चर बाजी। तुम्हें मारा क्या? नहीं ना, कहने लगे मैं किसी को मारना नहीं चाहता, डांटना नहीं चाहता, इसी लड़के बुजदिल बन जाते हैं। मैं अपने लड़कों को शेर की तरह निडर और दिलेर देखना चाहता हूँ। लेकिन पहले तो हम देखना चाहता है कि वो खुद क्या है, शेर या गीदर। हाँ जरूर। कौन? कौन? कौन है? Thank you.
तो तुम्हारा ही नाम रवि है? जी हाँ। आओ बैठो। कल रात तुम अपनी चादर बाहर छोड़ गए थे, तो तुम ही भूत बने थे। लेकिन क्यों, मुझे डराकर मजा देखना चाहते थे? अच्छा रवि, मान लो मैं सचमुच ही डर जाता, अगर मेरा दिल तुम्हारे पहले सुपरिंटेंडेंट से ज्यादा कमजोर होता तो हो सकता है मारे डर के मैं मर ही जाता। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते थे? नहीं सर। तो देखो, कोई भी शरारत करने से पहले हमेशा ये सोच लो कि उससे किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचता। हंसने हंसाने के लिए की गई शरारतों को मैं बुरा नहीं समझता, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, कोई ऐसी शरारत सोचकर बताओ जो मजेदार हो लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। कहो, क्यों सोच नहीं पाते? बताओ सर। हाँ, मदन चार दिन से नहाया नहीं, हम लोग उसे नहला दे। उसकी तबीयत तो खराब नहीं? नहीं सर, वो ठंडे पानी से बहुत डरता है। अच्छा, तब तो उसे जबरदस्ती नहला देना चाहिए। नहला दे? हाँ हाँ, तंदुरुस्ती के लिए नहाना जरूरी है। जाओ तुम लोग सब मिलकर उसे जबरदस्ती नहला दो। सुनो सुनो। क्या सर? चादर। तो रहा हूँ, सर क्यों खाते हो? अरे आप खाना ना लो। क्या खाओ, मुझे गाली देते हो? शट अप तेरे पाए। देखिए मास्टर साहब, निर्मल बाबू मुझे गाली देते हैं। क्या कहता है? नू 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 नू। सर मैंने उसे गाली नहीं दी, मैंने तो सिर्फ फोनो लुलू फिलिप पाइन कहा। अच्छा अब ऐसा मत कहना, बोलो होक्काइडो वांशियो शियोकियो योशियो। होक्काइडो वांशियो शियोकियो योशियो। होक्काइडो वांशियो शियोकियो योशियो। कठिन शब्दों को याद रखने की तुमने अच्छी तरकीब निकाली है निर्मल, अब ऐसा ही कोई नाम मुझे भी दे डालो। हम आपको कोई नाम नहीं देंगे सर, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरी कोई बदनामी नहीं हुई। अच्छा महाराज, मेरा खाना भी यहीं ले आओ। आप हमारे साथ खाएंगे सर? क्यों, कोई हर्ज है क्या? ये बात नहीं, पहले वाले सर तो कभी भी हमारे साथ नहीं खाते थे। यानी मैं ही पहला हुआ, तब तो मुझे तुम लोगों से कुछ इनाम मिलना चाहिए। बोलो तुम लोग मुझे क्या दोगे, क्या इनाम दोगे? बोलो, चुप क्यों हो, सोच नहीं पाते? यू ऑफर योर सेल्फ, अपने आप को दे डालो। मुझे तुम ही लोगों की जरूरत है, मैं तुम्हें लेकर एक नई दुनिया बसाऊंगा जहां नया इंसान जन्म ले, रग रग में हो नई रवानी, नई तरंगे नई उमंगे, नई जिंदगी नई जवानी। सर ये कविता है क्या सर? हाँ कविता है। क्या तुम लोग रिसाइटेशंस नहीं करते, नाटक नहीं खेलते? नहीं सर। अच्छा इस बार छुट्टियों के बाद तुम लोगों को लेकर एक नाटक खेलने की तैयारियां करेंगे। और हाँ, अगली 2 अक्टूबर को महात्मा जी का जन्मदिन है, तुम लोग एक काम करो, अभी से उन पर कविता लिखना शुरू कर दो। जिसकी कविता सबसे अच्छी होगी उसे महात्मा जी की आत्मकथा इनाम में मिलेगी। क्यों कैसा रहेगा? मेरे लिए इतनी चीजें और लड़कों के लिए? आपके लिए स्पेशल खाना बनता है सर। ले जाओ, उठा लो और देखो कल से सबके लिए स्पेशल खाना बनेगा। सर महाराज बड़ा रद्दी खाना बनाता है। देखो महाराज, अगर खाना अच्छा ही बना तो तुम्हारा भी स्पेशल बंदोबस्त होगा। लेकिन एक बात है, अच्छा खाना खाने के लिए अच्छी तरकारियां चाहिए, और ये तभी होगा जब तुम खुद बाजार जाओगे। कल मैं जाऊंगा सर। नहीं सर नहीं, ये चोरी करेगा। ये चोरी करेगा।
सुनो सुनो सर, इस तरह खुद खरीदने से चीजें अच्छी मिलेंगी और पैसे भी बचेंगे। उन पैसों से महीने में एक दिन शानदार दावत हुआ करेगी। सर, अब पहले क्यों नहीं आए थे सर? दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप की लड़ाई, दागी न कहीं तो अपना बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है तिरंगी को हराना, टक्कर थे बड़े जोर के दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कच के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था ले सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया, अमृत दिया कभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति।
अजय। अच्छा बताओ तो मैं क्या लाया हूँ। मूंगफली। नहीं। कोई नई किताब? तो फिर क्या लाए हो? फोटो उस दिन खिंचवाए थे, देखो। कितना बुरा आया है। क्यों, ठीक ही तो है। मैंने कहा था ना, जब मैं अच्छा नहीं तो मेरा फोटो कैसे अच्छा आ सकता है। इसे फाड़ो। फाड़ते क्यों, इससे अच्छा मुझे ही दे दो। तो फिर तुम मुझे अपना दे दो। अच्छा ये लो, पता नहीं मैं कब घोस्टल से निकाल दिया जाऊं, ये फोटो तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। तुम खुद ही निकल जाना चाहो तो कौन तुम्हें रोक सकता है। अपने नए सर कितने अच्छे हैं, सभी लड़के उनका कहना मानते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं मानते। बस बस रहने दो, पहले पहल तो सभी अच्छे लगते हैं, असली रूप तो बाद में दिखाई देता है। नए सर बैठो बैठो। अरे ये कौन है? मैं? क्या मैं देखने में इतना बुरा हूँ? नहीं सर, ये आपका कार्टून है। अच्छा, लेकिन ये तो ठीक नहीं बना। मेरा चश्मा कहाँ है? देखो इसे इस तरह होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी तस्वीर बना लेते हैं। क्यों, अब ठीक बना है ना? अच्छा बता तो इसे किसने बनाया था? बोलो। मैं बताऊं सर? नहीं, जिसने बनाया था वो खुद ही बताएगा। मुझे यकीन है मेरे लड़कों में सच बोलने की हिम्मत जरूर है। बोलो किसने बनाया? बोलो। मैंने बनाया था सर। तुमने? शाबाश शाबाश अजय, सच्चे लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते। बैठो। अच्छा आज कहाँ से शुरू करना है? लड़कों में से दो फर्स्ट डिवीजन, सात सेकंड डिवीजन, इतनी थर्ड डिवीजन और बाकी पढ़ते यही पढ़ाते हैं आप लोग? जी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जी। यही नमूना है आप लोगों की कोशिश का, मैं इस कमेटी और सेक्रेटरी को क्या जवाब दूंगा? हम क्या करें महाशय जी, आजकल के विद्यार्थियों को भी तो देखिए, पढ़ने में मन ही नहीं लगाती। कक्षा में कोई कुत्ते की बोली बोलता है, कोई बिल्ली की। आप उन्हें मार नहीं सकते जी। मार कहते क्या है आप, ये कलयुग के शिष्य गुरुओं पर श्रद्धा थोड़ी ही रखते हैं। घर जाते समय राह में कहीं ईंटें बरसाने लगे तो उन शैतानों के नाम मेरे पास लिख भेजिए, मैं स्कूल से बाहर निकाल दूं। तब तो हमें सभी बच्चों के नाम भेजने पड़ेंगे, क्योंकि शरारत हर बच्चे का स्वभाव है। मैं उनके स्वभाव को बदल दूंगा चाहता हूँ। लेकिन ये काम उन्हें निकालने से नहीं सुधारने से होगा। बुराई को सुधारने का नाम ही तो शिक्षा है। बच्चों का स्वभाव पानी की तरह चंचल होता है, वो आसानी की ओर ही बहता है। हमारा काम है उसे मोड़ना, छोड़ना नहीं। मैं समझता हूँ इस रिजल्ट के लिए लड़के नहीं हम मास्टर ही जिम्मेदार हैं। कैसे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि लड़के पढ़ने से जी क्यों चुराते हैं? सीधी सी बात है कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी की कोई चीज नहीं पाते। दूसरी तरफ खेलकूद और शरारतों में उन्हें मजा आता है।
अगर हम पढ़ाई को भी खेलकूद की तरह दिलचस्प और आसान बना दें तो लड़के बड़े शौक से पढ़ने लगेंगे। अच्छा, इसके लिए आप सुझाव क्या देते हैं? सुझाव ही नहीं, इसके लिए मेरे पास पूरी स्कीम है, लेकिन उसे काम में लाने के लिए लड़कों को कुछ आजादी देनी होगी, मास्टरों की आलोचना करने का अधिकार देना होगा, और साथ ही साथ पढ़ाई के कई दकियानुसी तरीकों में तब्दीली करनी होगी। क्या आप इसके लिए राजी होंगे? जरूर, मैं बच्चों की भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं शेखर बाबू। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाइए आगे क्या क्या गुल खेलेंगे। यही तो आज सटायर लिखते हैं, कल जोश दिखाएंगे, परसों सामने आकर पीढ़ी सुलगाएंगे। तो बहुत को क्या टीम बनाई है जी, पहले के दिन होते तो इन छोकरों की मजाल थी, मारे बैतों के एक एक को ठंडा कर देते, मगर अब तो नई स्कीम चालू है, लड़कों के बैत नहीं लगा सकते, कोई सजा नहीं दे सकते। अरे वाह, इसका परिणाम भी देख लीजिएगा, लड़के बंदर बनेंगे, तगड़े बनेंगे। ठीक कहते हैं आप। अरे महाशय, उस दिन पढ़ाते पढ़ाते किंचित तंद्राक्षर हो गया। तंद्राक्षर? हाँ, और ये लंगूर अवसर पाते ही मेरा शिखा कर्तन करने चले थे। हाँ, अब तो जो न हो सो थोड़ा, 30 साल से मास्टरी कर रहा हूँ, कितने ही लड़कों को जज, मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर बनाकर इन हाथों से निकाल दिया, अब आज कहते हैं कि हम पढ़ाना भी नहीं जानते, सिखाना भी नहीं जानते। लीजिए सिखाना जनाब, पहले पेट तो भरे तब सिखाने पढ़ाने की सोचो। लड़कों के लिए तो फ्री टिफिन, खेलकूद, सैर तफरी, और हमारे लिए क्या है? उस दिन जनाब तनख्वाह बढ़ाने की बात कही तो जवाब मिला फंडी ने। फंडी नहीं, जानते हैं महाशय हमारी इस दुर्गति का कारण कौन है? वो क्यों शेखर बाबू, आपने लड़कों के लिए तो बढ़िया स्कीम बना डाली, कुछ हमारे लिए भी कर डालिए, आपकी तो बड़ी गलती है। यहाँ ये समस्या आपकी ही नहीं, मेरी भी है सुधीर बाबू, मैं भी आपकी तरह एक मास्टर हूँ, मुझे जिम्मेवार ठहराने से कोई फायदा नहीं, हमें अपनी हालत बदलने के लिए आंदोलन करना होगा, अधिकारियों के पास अपनी मांगें पेश करनी होंगी, लेकिन उससे पहले हम अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ सकते। पंडित जी, श्रद्धा आंखें दिखाकर नहीं मिला सकती, इसके लिए आपको दिल दिखाना होगा, लड़कों को जानना, समझना और प्यार करना। हमारे और लड़कों के बीच डर का नहीं, प्यार का नाता होना चाहिए। आपको लड़कों की आलोचना से चिढ़, लेकिन पंडित जी ये तो दोहरा वरदान है, इससे लड़कों की बुद्धि भी तेज होती है
और हमें अपनी कमियों को दूर करने का मौका भी मिलता है। इसी में शिक्षा की उन्नति है। आप दूसरे देशों की ओर देखिए, उन्होंने अपने लड़कों के लिए जो कुछ किया है उसे देखते हुए तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, ये बात सही है कि पहले पहल थोड़ी सी आजादी पाकर लड़के कुछ ज्यादा मनमानी करने लगे, लेकिन ये मनमानी वैसी ही है जैसी कई दिनों के भूखे को मिठाई मिलने पर होती है। आप प्यार के साथ उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दीजिए, फिर देखिए वो अपने आप को कितनी जल्दी सुधार लेते हैं। आप लोग अगर साथ न दें तब तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। चलिए, समय हो गया। हाँ चलिए। पंडित जी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। इसका तो दिमाग खराब है। बिल्कुल, महापुरुषों को दुनिया यही कहती रही है। तो आप भी भिड़ जाइए ना साथ में, देर किस बात की है। यही सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। सुनिए किशन बाबू जी, हेड मास्टर या सेक्रेटरी से कहकर कोई लाभ न होगा, किंतु मैं भी चाणक्य का शिष्य हूँ, मेरा ध्वंस पत्र सीधा ऊपर तक जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए चलिए। ओ, आप बिना खबर दिए हुए? जी, जरा यूं ही चला आया। बैठिए। चलिए पहले जरा क्लासेस देख लो, आपकी स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई का क्या रंग है। जी हाँ जी हाँ, आइए। सर, जी जी जेट माने क्या सर? पहले रटो बैठ कर, माने वाने बाद में बताएंगे। वाह, माँ साहब तो पढ़ाई में लड़कों से ज्यादा मन लगाते। इस मछली बाजार में भी उनकी पढ़ाई जारी है। मैंने बड़ा अपराध किया है, मैंने बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हाँ, पंडित जी पापियों का उद्धार करा रहे हैं। नहीं चल रही है जी, शायद बाहर हो। क्या जेल का यही वक्त है यार? जी नहीं, बाहर पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे होंगे जी। अच्छा, भीतर की पढ़ाई का, चलिए अब जरा बाहर की भी पढ़ाई का। ये बदनी आर्यों की फैलाई हुई कि भारत आदि निवासी जंगली और गंवार। सच्चाई तो ये है कि द्राविड़ जाति आर्यों से भी ज्यादा सब। आर्यों का अपना कोई घर नहीं, अपनी तहजीब नहीं, वो सिर्फ अपने हथियारों के बल पर जिंदा रहने की कोशिश में एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे। आर्यों की ये खाना बदेशी भारत में आकर ही खत्म हुई। पश्चिम से शक और हून और पूरब से मंगोल आए, लेकिन आने के कुछ दिन बाद ही उन सब का अपना अपना वजूद मिट गया। उन्हें अलग अलग पहचानना भी मुश्किल हो गया। सबकी रगों का खून भारतीय बन गया। हमारे देश की तहजीब की यही विशेषता रही है कि उसने सबको अपनी गोद में लेकर अपना बना लिया है। भारत की उदारता की ये गंगा बराबर इसी तरह बहती आई है। आज भी भारत दुनिया में फैली हुई अशांति को दूर करने की कोशिशों में सबसे आगे है। दुनिया को शांति का संदेश सुना रहा है। हिंसा छोड़, नफरत नहीं, प्यार छोड़, सबको अपना समझो, सबको अपनाओ, यही शांति का रास्ता है। बस आज यहीं तक रहने दो, भारत की विशेषताओं के बारे में बाकी फिर कभी बताऊंगा। अब तुम लोग क्लास में जाओ। नमस्ते। नमस्ते। आपके पढ़ाने का ढंग देखकर जी करता है कि फिर से आपके स्कूल में भर्ती हो जाऊं और आपके पास पढ़ूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया,
आप हमारे जिले के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं। मेरे पास आपके पढ़ाने की बहुत सी शिकायतें पहुंची थी, उन्हीं की जांच करने मैं यहाँ आया था, लेकिन अब समझा कि हकीकत क्या है। अच्छा अभी तो चलता हूँ, फिर कभी मौका मिलने पर आपकी स्कीम पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है गणेश? सर अजय अब तक पेपर पढ़ा हुआ है सर, प्रार्थना से लौट कर रोज ही सो जाता है, बिल्कुल पढ़ता नहीं। अच्छा तुम जाओ। लेकिन सर बताइएगा नहीं कि मैंने आपसे कहा है। तुम्हारा इस तरह उसकी चुगली करना अच्छी बात है, वो क्या करता है क्या नहीं ये देखना मेरा काम है। जाओ। अजय अब भी नहीं उठोगे? अजय उठो। जी नहीं चाहता भाई। नहीं सर अचानक कमरे में आ जाती है, उठ जाओ। वे इस कमरे में नहीं आएंगे। क्यों? उनको पता है कि तुम सब अच्छे लड़के हो, मन लगाकर पढ़ते हो। मगर तुम्हारे लिए भी तो आ सकते हैं। मेरे लिए भी नहीं आएंगे, उनको दूर से पता चल जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। अजय सर आ रहे हैं। आने दो। ट्राइंगल एबीसी में जेबीसी को सीडी सीडी सी करो एबी। ट्राइंगल एबीसी में जेबीसी को सीडी सीडी सी करो एबी। ट्राइंगल एबीसी में जेबीसी को सीडी अब समझा तुम चिल्ला चिल्ला कर ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हो। मैं इस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ सर। तो तेज किस में हो, शरारतों में? देखो मुझे पता चला है कि तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, पढ़ाई के वक्त सोते रहते। क्यों पढ़ते क्यों नहीं बोलो? पढ़ाई में मन नहीं लगता सर। मन नहीं लगता? अच्छा अगर मन लगने का बंदोबस्त कर दूं तब तो पढ़ोगे। ठीक है चलो इस बार छुट्टियों में हम लोग अपने देश की सैर करें, नई नई जगह है, नई नई चीजें देखकर तुम लोग और भी बहुत कुछ जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे, तब देखना पढ़ाई कितनी दिलचस्प बन जाती है। क्यों ये प्रोग्राम ठीक है ना? आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हंगारों पे। वो
बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बंजा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं घर नहीं गया इस बात का मुझे बहुत दुख, लेकिन अगर मैं घर जाता तो ये मजेदार सैर कैसे हो पाती। सचमुच दुनिया में हमें बहुत कुछ जानना और सीखना है। तुम पढ़ते तो हो नहीं, सीखोगे क्या? जानकारी बढ़ाना तो बहुत दूर है, जो कुछ देखा सुना है वो भी कुछ दिनों में भूल जाओगे। अजय रवि रवि तुम रिहर्सल में नहीं गए? गया था लेकिन मुझे बात नहीं मिली, कहते हैं मेरी जबान साफ नहीं है, मैं बात करने में जल्दबाजी करता हूँ। तुम्हें भी बात नहीं दिया? मुझे भी नहीं, उधर गणेश को शिवाजी बनाया है, देखता हूँ नाटक कैसे करेंगे, सारा खेल चौपट कर दूंगा। नहीं अजय कोई गड़बड़ी मत करना। तुम्हें इतने हमदर्दी क्यों? तुम्हें भी तो पार्ट नहीं मिला, शक्ति को भी लेक्चर देने का बीमारी हो गई है। बाकी शक्ति तुम्हारी लेक्चरबाजी मुझे भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन तुम भी कोई मास्टर हो। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी ही भलाई के लिए मैंने कहा था। अपनी भलाई बुराई हम खुद देख सकते हैं, चलो। क्या बुरा मान गए? मैं बुरा क्यों मानने लगा? अरे चलो चलो। बच्चों जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है। बोलो खबरदार होशियार खबरदार, तेरे जुर्म का यह है पुरस्कार। हां ठीक है बोलो। लो अरे क्या है? मैं तो खबरदार नहीं हूं। अरे शाबाश वाह वाह मोहन। हां सर याद हमको याद है सर। पूरा बन खाना तैयार। क्या पूरा बन खाना तैयार? जल्दी करो। मुझे डर लग रहा है सर। डर लगता है? जाओ सर। मैं धोती क्यों पहना हूं? जाओ जाओ सर। नगर नगर जाओ पहन लो। नगर नहीं गणेश कोई पकड़ी किधर है? मुझे उधर स्पीड गन लगा लो। तुम तुम्हें पार्टर से क्या करते क्या धाम बना रहा पूजा का? चलो आप जाके उस पे गन लगा लो। कोई पकड़ी किधर है? देखो तुम
तुम्हारा ड्रेस क्या है गोविंद? गोविंद गोविंद तुम्हारी ड्रेस क्या है? पगड़ी नहीं एक दो तीन चार पाँच हाँ बराबर है। अपनी माँ के पास जाके बैठो, अपनी माँ के पास। एक जगह पर रखा है ना? हाँ हाँ बस पर्दा खुलने ही वाला है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं मैनेज करके आता हूँ, जरा संभाल के जाना। तुम स्टेज के नीचे क्या कर रहे थे? नीचे? कुछ नहीं कुछ नहीं, पैसा गिर गया था ना इसीलिए। पैसा पुस्तकों का नहीं, पुस्तकों का नहीं, दिमाग जरा इसे पकड़ना। मैं भी आया। कहाँ चले पंडित जी, नाटक तो शुरू होने वाला है। शुरू? मैं भी आता हूँ। लड़ाई कैसे चल रही है सरदार? अरे मैं क्या जानू, मुझसे तो हिला डुला भी नहीं आता। लड़ाई शुरू होते ही मैं लौट आया था। ये लो छत्रपति शिवाजी महाराज किधर ही आ रहे हैं। लड़ाई का क्या समाचार है भोसले? समाचार सब महाराज, महाराज गजब हो गया। अभी अभी खबर मिली है कि दुश्मनों की फौज हमें चारों तरफ से घेर लेने की कोशिश करी। महाराज इस मुसीबत से बचने का हमें कोई रास्ता बताइए महाराज। रास्ता? रास्ता सिर्फ एक ही, हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। क्या हम गुजरों की तरफ भाग जाएंगे? दिलों की तरह नहीं, बुद्धिलों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह। उधर देखो अंधेरा बढ़ रहा है, इस अंधेरे की आड़ लेकर रातों रात नर्मदा पार करके सितारा के किले तक पहुंचना होगा। वहां से रसदार हथियार इकट्ठा करके दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी होगी। उधर बहुत लोग बैठे सर, मुझे डर लगता है सर। नहीं लगेगा, जाओ जाके बोलो महाराज दुश्मनों के सिपा सालार ने खत भेजा है। क्या बोलो सर? दुश्मनों के सिपा सालार ने खत भेजा है। भेजा है? देखो तो क्या लिखा है बाजीराव। में किमाज किसने लगाई, चाय में जुलाब किसने मिलाया था, स्टेज के नीचे पटाखे किसने रखे थे? तुमने बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते? बोलो। उसको मत मारिए सर, उसका कोई कसूर नहीं, सब कुछ मैंने किया है। अच्छा तो असली शैतान तुम हो है? इस शरारतों की वजह से स्कूल बदनाम हो रहा है, मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार तो हद हो गई, ये कोई मामूली शरारत थी, इसके लिए तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं उसे स्कूल से निकाल देना चाहता हूँ, आप लोगों की क्या राय? जी हाँ यही ठीक होगा, एक मछली
सारे तालाब को गंदा कर देती है। रस टिकट करने के सिवा उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन लड़का खेल कूद में बहुत अच्छा है, उसने तमाम मैच जीते, स्कूल का नाम रोशन किया है। ये स्कूल है स्कूल, खेल का मैदान नहीं। निस्संदेह मेरी तो समझ में नहीं आता कि विद्यालयों में खेल कूद खेल इन सब का काम ही क्या है। जी हाँ। मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ जरूर कहिए। मेरा ख्याल है पढ़ाई और खेलकूद को दो अलग अलग चीजें समझना बहुत बड़ी भूल है। लड़कों की भलाई और तरक्की के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। आप लोग अजय में सिर्फ बुराइयां ही देखते हैं, क्या आप उसमें एक भी अच्छे नहीं पाते? खेलकूद की बात जाने दीजिए, शरारत करके अपना कसूर मान लेने और दोस्त को बचाने के लिए खुद मार खाने में उसे जो सच्चाई और हिम्मत दिखाई है, क्या वो मामूली बात है? अगर इसकी शरारतों को गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि इस बच्चे के दिमाग में नई नई चीजों को बनाने की कितनी ताकत है। मेरा ख्याल है अगर इस शरारती दिमाग को किसी तरह सही रास्ते पर लाया जा सके तो ये लड़का हमारे स्कूल की शान बन सकता है। अजी राम भजो कोयला होए न उजरो सोमन साबुन खाए। आप ठीक कहते हैं पंडित जी कि कोयला धोने से उजला नहीं होता, लेकिन जलाने से लाल जरूर होता है। आप कहना क्या चाहते हैं शेखर बाबू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजय जैसे लड़कों को रस टिकट करना अन्याय होगा। बच्चों की शरारतें लाइलाज नहीं होती, अच्छी शिक्षा बुरे से बुरे लड़कों को भी अच्छा बना देती। लेकिन अगर अच्छी शिक्षा पाकर भी वो ना सुधरा तो मैं उसे दिमाग की खराबी समझकर उसके इलाज का बंदोबस्त करूँ। खैर अगर आप कहते हैं तो मैं उसे एक मौका और दूँ, लेकिन ये उसका आखिरी मौका होगा। आज तुम सिर्फ शेखर बाबू की वजह से बच गए अजय। हाँ सच। अच्छा अजय क्या अगर हम दोनों जुदा हो जाएं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लेकिन हम जुदा होंगे ही क्यों? क्योंकि मैं तो पास होकर स्कूल छोड़ जाऊंगा और तुम यहीं रह जाओगे। तुम अच्छे लड़के बनो अजय, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा दिमाग है। अगर तुम शरारतें छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दो तो तुम जरूर फर्स्ट आओगे। जब तुम फर्स्ट आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन। लेकिन क्या? अच्छा मेरा ख्याल है गणेश नहीं टुकड़ी खड़ी होगी, उसने मुझे स्टेज के नीचे से निकलते देखा था। अच्छा ये बात है, मैं आज उसे खेल के मैदान में ऐसा मजा सिखाऊंगा कि उसे जिंदगी भर याद रहे। नहीं अजय अब कोई झगड़ा मत करना, वादा करो कि तुम अब शरारतें नहीं करोगे। अच्छा जैसे तुम्हारी उम्र। सलाह क्यों मारी? मुझे सबक मिलना चाहिए। सबक सिखाने वाले तुम कौन होते हो? वॉक आउट। आई से वॉक आउट। यू आर सस्पेंडेड फॉर 7 डेज। कोई लड़का इससे बात नहीं करेगा, बॉयकॉट हिम। रवि रवि। नहीं भाई सर ने तुमसे बोलने को मना किया है।
क्या तुमने मेरा बायकॉट किया है? तुम अच्छे लड़के बनो अजय। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, तुमने आज अगर तुम अच्छे लड़के बने होते तो कौन तुम्हारा बायकॉट कर सकता था? अच्छे 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 दिन रात वही एक बात, तुमने भी मेरा ही दो देखा। मैं समझता था सब लोग मेरा बायकॉट भले ही कर दे लेकिन तुम नहीं करोगे, लेकिन ये मेरी भूल थी। तुम भी सुन लो, आज से मेरी दोस्ती खत्म होती है, तुम्हारे साथ आज मेरा कोई संबंध नहीं। अजय सुनो, अजय 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 लौट आओ, अजय मत जाओ, अजय लौट आओ, अजय 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 लौट आओ, अजय मत जाओ, अजय 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 लौट आओ, अजय अजय मत जाओ, अजय क्यों मुझे लौटाने आए थे शक्ति? क्यों आए थे? डॉक्टर होश आ गया? होश तो शायद आ जाए बट दी कंडीशन इज वेरी सीरियस। ये आपका? मेरा स्टूडेंट। ओ, इसके घर में खबर भेज दी जा चुकी है? जी हाँ, उसकी माँ आ गई। ओ, वो उसके पास रह सकती है, आप भी रहे तो अच्छा है। सर, सर, बेड नंबर 6 की हालत बहुत खराब हो गई है। बेड नंबर 6? जी। तुम इंजेक्शन तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। नर्स तुम इन्हें अंदर ले जाओ, होश आने पर फौरन मुझे इतला देना, और देखो पानी मांगे तो हरगिज़ मत देना। एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम सर। मैं भी शक्ति के पास रहूंगा। अच्छा, तुम जाकर मां से ले आओ। सुधीर बाबू, आप लड़कों को लेकर नीचे रहिए, मेरा यहां रहना जरूरी है। आइए। बेटा, शक्ति, माँ शक्ति, अच्छे मुझे माफ कर दो शक्ति, कभी शरारत नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा शक्ति, मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो। बड़ी तकलीफ है बेटा,
और अजय को छोड़ जाने। मैं अजय को सुधार न सका, मैं अपना धीरज क्यों खो बैठा। मैं शिक्षक हूं, ये बात मैं क्यों भूल गया। अगर मुझ में ही धीरज और क्षमा ना हो तो मैं लड़कों को शिक्षा कैसे दूंगा, कैसे शिक्षा दूंगा। तुम रोज ही इतनी रात तक पढ़ा करते हो, क्यों? मुझे फर्स्ट आना है सर। लेकिन इस तरह रात जागने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, दिन में क्यों नहीं पढ़ते? मुझे शर्म आती है सर। शर्म? कैसी शर्म? लड़के देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कहेंगे कि मैं आपसे हार गया हूं। तुम कभी नहीं हार सकते, तुम्हारा तो नाम ही अजय है। Lastly, first prize for social services, Ajay Kumar Mukherjee. कितने इनाम मिले हैं इस लड़के को? देखो ना, एक अपने लड़के हैं, न पढ़ने में न खेलने। बच्चों की इस खुशी में साझीदार बन पाना मेरी खुशकिस्मती है। ये स्कूल मेरे हलके के सब स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलों में भी अव्वल आया है। अजय जैसे लड़के का किसी भी स्कूल में होना फख्र की बात है, लेकिन अजय की तरक्की के पीछे जिनकी मेहनत और काबिलियत का कमाल छुपा हुआ है उनको आपके सामने पेश करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। वो है हमारे शेखर बाबू। आप देश के एक माने हुए विद्वान और स्कॉलर हैं, देश विदेश घूमकर तालीम देने के तरीकों पर आपने एक नई स्कीम तैयार की है। इस मौके पर
मैं एक जिक्र और कर देना चाहता हूं। एजुकेशन बोर्ड ने उनकी इस स्कीम को अपना लिया है और वो बहुत ही जल्द बोर्ड में एक ऊंचे ओहदे पर चले जाएंगे। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। चले जाएंगे। अभी तो बहुत काम बाकी है शेखर बाबू, आप हमें बीच राह में छोड़कर चले जाइएगा। राह तो मिल गई है, राह मिल जाए तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। शेखर बाबू, पुराने पन के मोह में पड़कर मैं अंधा बन गया था, आज मैं नया प्रकाश देख रहा हूँ, मेरा अन्याय क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों के सहयोग और समर्थन के लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। देखो शक्ति, मैं फर्स्ट आया हूं, तुमने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। देखो देखो मुझे कितने सारे इनाम मिले, अगर आज तुम होते तो कितने खुश होते। शक्ति, एक बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी, तुम्हें भी नहीं बता सका, मैं शेखर बाबू को मन ही मन बहुत मानता रहा हूं। आज सिर्फ उनकी और तुम्हारी वजह से मैं इंसान बन पाया हूं। तुम तो चले ही गए, आज सर भी मुझे छोड़ जा रहे हैं, क्या तुम सभी मुझे छोड़ जाओगे? रो माता जय, ऐसे मौके पर आंसू नहीं गिराया कर। मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा मन तुम्हारे पास ही रहेगा। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, बोलिए मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बोलिए मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बोलिए मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, बोलिए मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, बोलिए सर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे सर। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि दूसरे तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारी ही तरह पढ़ाया जाए? मैं यही जिम्मेदारी निभाने के लिए जा रहा हूँ। जाने से पहले आप हमें बताते जाइए सर, हम लोग क्या करेंगे? रोजाना की पढ़ाई में जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है आज फिर उसकी याद दिला दी। पासे सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क, हर बला को टाल के सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना नवास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना नवास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो कदम तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तू किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं अजय को सुधार न सका, मैं अपना धीरज क्यों खो बैठा। मैं शिक्षक हूं, ये बात मैं क्यों भूल गया। अगर मुझ में ही धीरज और क्षमा ना हो तो मैं लड़कों को शिक्षा कैसे दूंगा, कैसे शिक्षा दूंगा। तुम रोज ही इतनी रात तक पढ़ा करते हो, क्यों? मुझे फर्स्ट आना है सर। लेकिन इस तरह रात जागने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, दिन में क्यों नहीं पढ़ते? मुझे शर्म आती है सर। शर्म? कैसी शर्म?
लड़के देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कहेंगे कि मैं आपसे हार गया हूं। तुम कभी नहीं हार सकते, तुम्हारा तो नाम ही अजय है। कुमार मुखर्जी, फर्स्ट प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्कूल मैगजीन, अजय कुमार मुखर्जी। लास्टली फर्स्ट प्राइज फॉर सोशल सर्विसेज, अजय कुमार मुखर्जी। कितने इनाम मिले हैं इस लड़के को? देखो ना, एक अपने लड़के हैं, न पढ़ने में न खेलने। आज बच्चों की खुशी में साझीदार बन पाना मेरी खुशकिस्मती है। ये स्कूल मेरे हलके के सब स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलों में भी अव्वल आया है। अजय जैसे लड़के का किसी भी स्कूल में होना फख्र की बात है, लेकिन अजय की तरक्की के पीछे इनकी मेहनत और काबिलियत का कमाल छुपा हुआ है, उनको आपके सामने पेश करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। वो है हमारे शेखर बाबू। आप देश के एक माने हुए विद्वान और स्कॉलर हैं, देश विदेश घूमकर तालीम देने के तरीकों पर आपने एक नई स्कीम तैयार की है। इस मौके पर मैं एक जिक्र और कर देना चाहता हूं। एजुकेशन बोर्ड ने उनकी इस स्कीम को अपना लिया है और वो बहुत ही जल्द बोर्ड में एक ऊंचे ओहदे पर चले जाएंगे। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अभी तो बहुत काम बाकी है शेखर बाबू, आप हमें बीच राह में छोड़कर चले जाइएगा। राह तो मिल गई है, राह मिल जाए तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। पुराने पन के मोह में पड़कर मैं अंधा बन गया था, आज मैं नया प्रकाश देख रहा हूँ, मेरा अन्याय क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों के सहयोग और समर्थन के लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। देखो शक्ति, मैं फर्स्ट आया हूँ।
तुमने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। देखो देखो मुझे कितने सारे इनाम मिले। अगर आज तुम होते तो कितने खुश होते। शक्ति, एक बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी, तुम्हें भी नहीं बता सका। मैं शेखर बाबू को मन ही मन बहुत मानता रहा हूँ। आज सिर्फ उनकी और तुम्हारी वजह से मैं इंसान बन पाया हूँ। तुम तो चले ही गए, आज सर भी मुझे छोड़ जा रहे हैं। क्या तुम सभी मुझे छोड़ जाओगे? रो माता जय, ऐसे मौके पर आंसू नहीं गिराया करते। मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा मन तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा सर, नहीं जाने दूंगा। बोलिए अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बोलिए अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बोलिए अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, बोलिए अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। बोलिए सर, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे सर। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि दूसरे तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारी ही तरह पढ़ाया जाए? मैं यही जिम्मेदारी निभाने के लिए जा रहा। जाने से पहले आप हमें बताते जाइए सर, हम लोग क्या करेंगे। रोजाना की पढ़ाई में जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है आज फिर उसकी याद दिला दी। वहाँ से सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के मंजिल पे आया मुल्क, हर बला को टाल के सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी
है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो कदम तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तू किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।